साल में सिर्फ एक बार आता है हमारा प्यारा नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, जिसके आते ही वक्ता अपने बिलों से बाहर निकलते हैं। और फिर सभी राज्य अपनी लिस्ट जारी करते हैं और फिर सिलसिला शुरू होता है खरीददारी, पैकिंग और बहुत सारे सपने। लिस्ट में नाम आते ही सभी ने कपड़े सोचे होंगे और फिर एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन तक पहुंचना और साथ में एकदम अच्छे तरीके से पैक हमारे कपड़े और सामान। अरे अंकल, कोई फोन उठा ले जाएगा। सभी का दिल्ली पहुंचना और भीड़ को चीरते हुए आगे निकलना, पहली बार कैब की राइड की रसीद बनवाना और वहां पहुंचना जो इन 3-4 दिनों का साक्षी बनने वाला है, द ग्रैंड हिस्टोरिकल अशोक होटल। दिल्ली के बीचों बीच 25 एकड़ में फैला सबसे बड़ा 5-स्टार होटल, जिसके 7 मंजिल और 550 कमरे हैं, जो इंडो मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल का प्रतीक है। सोनिया गांधी, राजीव गांधी के विवाह का जश्न हो या फिर अमिताभ बच्चन की फिल्म लावारिस का सीन शूट होना हो या चांदनी फिल्म की शूटिंग। सरकार बनाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह की अध्यक्षता में सभी NDA दल के नेताओं की भी यहां पार्टी बुलाई थी। इस क्लिप को देखकर मुझे एक लेसन मिला कि कभी सस्ते ट्राइपॉड से शूटिंग नहीं करनी चाहिए। हमने हमारे रूम्स के लिए चेक इन किया। अब तक सभी स्पीकर्स का प्रश्न ये था कि नेशनल लेवल का टॉपिक क्या होगा। बहुत बड़ा और कन्फ्यूजिंग होटल, भूल भुलैया का दूसरा नाम, महलों जैसा अवध होटल और उच्च स्तरीय बैठकों के बीच ऐसी ऐसी वस्तुएं जो मेरे तो एटलीस्ट समझ के बाहर थी। अशोक होटल संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स के मेहमानों की भी होस्टिंग कर रहा था। वहां विदेशों से भी कई डेलीगेट्स आए हुए थे। हम पहुंच रहे थे एक एक करके और हमारे जीवन रूपी फिल्म के उस ऐतिहासिक सीन का हम इंतजार कर रहे थे। वो ऐतिहासिक अनुभव आने वाला था जिससे हमारी जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 3 को तो बस सबका आना ही हुआ। हमें ट्रैक सूट बांटे गए। अभी तक हम सभी साथी एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन जानने का सिलसिला भी बस शुरू होने वाला था। तो आइए एक सशक्त नए भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय मां भारती, सर्वे जना सुखिनो भवंतु। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।